हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.4 का प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो यहां देखिए पार्ट 4 में क्या दिया हुआ है। मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो गिवन कंडीशंस है उसके बेसिस पर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फ्रेम करने हैं, ठीक है, और उसे फिर हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। चलिए तो पहले हम देखते हैं गिवन कंडीशंस के बेसिस पर क्या क्या फ्रेम करते हैं। मीना वेंट टू अ बैंक, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि ₹50 नोट जो है क्वांटिटी एक्स है और ₹100 जो है उसके क्वांटिटी जो है वाई है। लेट मीना रिसीव्ड X number of ₹50 notes and Y number of ₹100 notes, ठीक है। अब देखिए according to given conditions क्या क्या आपको frame हो रहे हैं equations। according टू गिवन conditions, पहली कंडीशन क्या है, विथड्रॉ ₹2000 मीन्स जो वैल्यू है जितना विथड्रॉ किया गया है उसकी वैल्यू टोटल है 2000, ठीक है। तो अगर ₹50 के नोट जो है एक्स नंबर है तो 50x हो जाएगा उसकी वैल्यू, और ₹100 नोट जो है वाई नंबर है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 100y और इसकी सम दी हुई है 2000, ठीक है। तो यहां से हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x प्लस 2y इक्वल टू 40, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन देखिए क्या दी हुई है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब कि सम ऑफ x रुपी नोट प्लस y रुपी नोट इज 25। तो x प्लस y ये है 25, ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। चलिए तो हमने इक्वेशन तो फ्रेम कर लिए है, अब आगे क्या बोल रहा है कि हमें सॉल्व करने हैं इन दोनों इक्वेशन को यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, एलिमिनेशन में क्या करते हैं कि हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल जाती है, ठीक है, सूटेबल कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 में देखें तो यहाँ एक्स की कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम है, तो अगर इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो एक्स तो एलिमिनेट हो जाएगा और वाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। चलिए तो वैसे ही सॉल्व करते हैं, हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिलेगी हमें, x प्लस 2y इक्वल टू 40, ठीक है, उसमें से x प्लस y इक्वल टू 25 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो x तो एलिमिनेट हो जाएगा और 2y माइनस y तो y इक्वल टू 40 माइनस 25, तो ये हो गया हमारा 15। चलिए y 15 मिल गया। अब देखिए हमें x फाइंड करने हैं, तो जो ये वैल्यू आई हमारी y की उसे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे अदर इक्वेशन 1 और 2 में, तो वहां से हमें x की भी वैल्यू मिल जाएगी। चलिए तो 2 में ही सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 क्या मिलेगी, यहाँ x प्लस y के प्लेस पे 15
इक्वल टू 25, तो यहां से हमें x इक्वल टू 10 मिल गई। ठीक है, तो x और y, तो हमें फाइंड तो यही करना था x और y, तो मीना को कौन कौन से नोट कितने नंबर्स मिलेंगे। हेंस मीना रिसीव टेन नंबर्स ऑफ रुपीज 50 नोट एंड 15 नंबर्स ऑफ रुपीज 100 नोट। ठीक, अब देखिए, अगर चेक करना है कि हमारा सॉल्यूशन सही है या गलत है, आप क्या कीजिए, इसके वैल्यू फाइंड करके देखिए 2000 आ रहा है कि नहीं। ठीक, या नंबर ऐड कर लीजिए, तो 15 + 3 = 25 हो गया, और वैल्यू अगर देखे तो 10 × 50 = 500 हो गया, एंड 15 × 100 = 1500 हो गया, दोनों का सम हो गया जो वैल्यू का 2000 हो गया। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन जो भी आया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 के सॉल्यूशन। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।